हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि सर्विस सेक्टर में जो अकाउंटिंग होती है वो किस तरह से की जाती है और किस तरह से हम टैली एडमिन में सर्विस सेक्टर अकाउंटिंग को मैनेज करेंगे, कौन कौन सी एंटी हमारी सर्विस सेक्टर अकाउंटिंग में होती है वो सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैंने जो यहाँ पे अभी एक एग्जाम्पल लिया है वो लिया है टीटी कंसल्टेंसी एंड सर्विस। टीटी यानी कि टेक्निकल त्यागी कंसल्टेंसी सर्विस के नाम से मैं एक कंपनी क्रिएट करेंगे जो कि मैन पावर की सर्विस को प्रोवाइड करता है, यानी कि जो उतने भी हमारे जॉब प्लेसमेंट के ऑफिस होते हैं या कंसल्टेंसी जो सर्विस देती है वो हमारी मैन पावर सर्विस यानी कि अकाउंटेंट, एचआर या किसी भी कंपनी में किसी भी पोस्ट पे कोई भी कैंडिडेट चाहिए तो उस तरह की सर्विस हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपली ये एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे कि हम यहाँ पे जो हमारी sign.com कंपनी है जो कि कैंडिडेट को जॉब प्रोवाइड कराती है, और दोस्तों इसी के साथ साथ जो sign.com है हमने यहाँ पे माना है कि यहाँ पे जितने भी कंसल्टेंसी सर्विस देने वाली एजेंसी होती है उन सभी को ये डाटा भी प्रोवाइड करती है, यानी कि जो भी कैंडिडेट sign.com, naukri.com इन पे अपना जॉब के लिए रिज्यूमे और डाटा पोस्ट करते हैं उन सभी का डाटा ये जो कंसल्टेंसी सर्विस को प्रोवाइड करती है, जिससे कंसल्टेंसी सर्विस उनसे डाटा लेकर बाकी कंपनी को मैन पावर की सर्विस प्रोवाइड कराती है। साथ साथ दोस्तों हम इसमें जानेंगे कि सर्विस पे जो TDS डिडक्ट होगा, TDS का एंट्री हम किस तरह से करेंगे, और उसी के साथ जानेंगे जब हम sign.com से डाटा परचेज करेंगे उसकी हम पेमेंट sign.com को किस तरह से करेंगे। देन उसके साथ हम जानेंगे कि हमने यहाँ पे XYZ कंपनी लिमिटेड को 3 कैंडिडेट जो है हम एज ए मैन पावर की सर्विस उनको प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए हम उसको 41,000 का अमाउंट का बिल पे करेंगे और उस पर हम अपना CGST और SGST के साथ उस बिल को पे करेंगे। देन लास्ट में हम जानेंगे किस तरह से हम XYZ को उसकी पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों काफ़ी प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। एंड तक आपने इस वीडियो में बने रहना है। मैं हूँ आपको दोस्त नितेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल त्यागी। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि आज हम यहाँ पे सर्विस सेक्टर की अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, टैली एडमिन में इस अकाउंटिंग को हम किस तरह से मैनेज करेंगे वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इसके लिए चलते हैं हम अपने टैली एडमिन पे। तो यहाँ पे दोस्तों हम अपने टैली एडमिन पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने टेक्निकल त्यागी कंसल्टेंसी एंड सर्विस के नाम से एक कंपनी को ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने F11 में जाके और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाके अपने GST को अनेबल कर लिया है और अपने TDS के सेक्शन को भी अनेबल कर लिया है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे कैंडिडेट को जिससे हम सर्विस परचेज करें उसका हम TDS भी डिडक्ट करेंगे, जिसके लिए हमें अपना एक 10 नंबर यहाँ पे देना होता है। तो सिंपली इन फीचर को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यस कर लिया है। इसी के अलावा उनकी एंट्री करने के लिए जो भी लेजर में यूज होंगे उन लेजर को मैंने अभी क्रिएट नहीं किया है। जैसे जैसे हम एंट्री करेंगे साथ साथ लेजर को क्रिएट करते जाएंगे। तो सिंपली दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे टेक्निकल त्यागी कंसल्टिंग सर्विस के नाम से कंपनी है जो कि मैन पावर की सर्विस को प्रोवाइड कराती है, यानी कि जिस भी कंपनी में मैन पावर की जरूरत होती है हम उन कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हैं और उनको मैन पावर की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले हमने दोस्तों यहाँ पे अज्यूम किया कि हम sign.com से मैन पावर का डाटा परचेज करेंगे, यानी कि sign.com जो एक नौकरी देने की वेबसाइट है वहाँ पे लोग अपने जॉब के लिए रजिस्टर करते हैं, जिससे sign.com के पास काफ़ी सारा डाटा होता है मैन पावर से रिलेटेड, और हम उसी डाटा को sign.com से परचेज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले परचेज करने के लिए हम परचेज की एक एंट्री करेंगे और इसके लिए हम चलते हैं अपने टैली पे। कोई भी एंट्री करने के लिए दोस्तों सिंपली हमें अकाउंटिंग वॉच में जाना होता है तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग वॉच में जाएंगे, और परचेज की एंट्री करने के लिए दोस्तों हम F9 का यूज करेंगे। अब दोस्तों क्योंकि हमारी सर्विस सेक्टर अकाउंटिंग होने वाली तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस की एंट्री यहाँ पे करेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने 1 अप्रैल को sign.com से सर्विस परचेज की है, तो यहाँ पे हम 001 इसका इनवॉइस नंबर लेते हैं 1 अप्रैल, और यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट करेंगे जो कि आएगा हमारा sign.com। एंटर करेंगे। अब क्योंकि इससे हम परचेज करें तो ये हमारा क्रेडिटर होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्रेडिटर को चूज करेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हम यस रखेंगे। एंटर करेंगे। अब दोस्तों क्योंकि हम इस पार्टी का TDS डिडक्ट करने वाला है, यहाँ पे हम TDS का एक सेटअप करेंगे, क्योंकि दोस्तों सर्विस सेक्टर में होता क्या है कि जो भी एक सिंगल अमाउंट होता है यानी कि TDS को हम एज ए कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, और उसमें होता क्या है कि अगर आपका कोई सिंगल बिल 30,000 से ऊपर का है तो उस पर आपको TDS डिडक्ट करना है 2% या 1%, जो भी आपकी कंपनी का नेचर है। तो जैसे कि हम देखेंगे sign.com जो है एक कंपनी है, और आप देखोगे कि यहाँ पे आपको फॉरवर्ड यानी कि अगर यहाँ पे सी है तो ये कंपनी है जिसका 2% TDS डिडक्ट होगा, और अगर यहाँ पे पी यानी कि प्रोप्राइटर होता तो उसका 1% TDS यहाँ पे डिडक्ट होता।
टीडीएस का दोस्तों मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल का वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ से आप टीडीएस का कंप्लीट ट्यूटोरियल देख के टीडीएस के बारे में अच्छे से जान सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम सिंपली करेंगे क्या कि इस टीडीएस डिडक्टेबल को यहाँ पे यस करेंगे, एंटर करेंगे। अब हमें बताने के लिए किस तरह की डिडक्टिव टाइप है। तो यहाँ पे दोस्तों डिडक्टिव कौन होता है, जिसका हम टीडीएस काटते हैं वो डिडक्टिव होता है, और डिडक्टर कौन होता है दोस्तों, जो टीडीएस को काटता है वो डिडक्टर होता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे टीडीएस को डिडक्ट करेंगे तो इसलिए हम डिडक्टर है। और यहाँ पे दोस्तों हम करेंगे क्या कि अभी जो डिडक्टिव टाइप हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे ज्यूम किया कि sign.com हमारी कंपनी है, जो कि यहाँ पे हमारे इसके रजिस्टर नंबर से मैंसन हो रहा है, सी से यहाँ पे मैंसन हो रहा है, हम यहाँ पे इसको लेंगे दोस्तों कंपनी रेजिडेंट। यहाँ पे कंपनी रेजिडेंट को हम यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट इन सेम वाउचर, इस ऑप्शन को हमें यस रखना है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। और दोस्तों क्योंकि जो हमारी पार्टी है वो हरियाणा की पार्टी है, और जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो हमारी 07 जो कि हमारा दिल्ली का कोड है, तो ये हमारी दिल्ली की पार्टी है, तो यहाँ पे हम दिल्ली स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। तो अब दोस्तों क्योंकि आपको यहाँ पे इसका टीडीएस डिडक्ट करने वाले हो, जो भी आप टीडीएस को डिडक्ट करोगे उसको आपने आगे उस कंपनी के पैन नंबर पे जमा कराना होता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस कंपनी का जो पैन नंबर है वो यहाँ से यहाँ तक ये इसका पैन नंबर है। दोस्तों अगर आपको किसी कंपनी का पैन नंबर नहीं पता तो उसके जीएसटी में उसका पैन नंबर होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी को जो भी जीएसटी नंबर अलॉट होता है वो उसके पैन नंबर से ही अलॉट होता है। तो जो बीच के आपके ये शुरू के वर्ड है ये आपके पैन नंबर होंगे, इसको हम कंट्रोल सी यहाँ से कर लेते हैं, पैन नंबर हम कंट्रोल ऑल्ट वी डालेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे हम जीएसटी नंबर को डालेंगे। तो सिंपली हम यहाँ से इस जीएसटी नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी करके हम इसको पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और कर देंगे एंटर। अब दोस्तों क्योंकि हम यहाँ पे कैंडिडेट के डाटा को परचेज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जैसे एग्जांपल में लिया है, जिसके लिए इसने हमें एक बिल इशू किया है 32,000 रुपये का। तो यहाँ पे हम कैंडिडेट डाटा के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे, और यहाँ पे हम कैंडिडेट डाटा एक्सपेंसेस हम यहाँ पे डाल देंगे, एंटर करेंगे, जो कि जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि हमारा जो बिजनेस का नेचर है वो दोस्तों कंसल्टेंसी का है, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। इस पे जीएसटी को दोस्तों हम एप्लीकेबल रखेंगे, क्योंकि हमारा इस पे जीएसटी लगा हुआ है। एंटर करेंगे और यहाँ पे हम इसको यस करेंगे, यहाँ से हम एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे हम इसको टैक्सेबल करेंगे। और यहाँ पे हमने जो दोस्तों इसके टैक्स की रेट मानी है वो मानी है हमने यहाँ पे 18%। तो यहाँ पे हम जाएंगे। अब दोस्तों आपकी कंसल्टेंसी सर्विस पे अलग अलग टाइप की जीएसटी हो सकते हैं, यहाँ पे जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए मैं 18% यहाँ पर ले रहा हूँ, आपके जो एक्चुअल जीएसटी रेट होगी आप वो उसी को यहाँ पे लोगे। मैं एंटर करूँगा, एंटर करूँगा। अब दोस्तों क्योंकि ये जो हम परचेज कर रहे हैं वो हमारी सर्विस में आती है, अगर हम यहाँ पे कोई गुड्स परचेज कर दो उसके लिए हम गुड्स लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सर्विस करते हैं हम सर्विस को लेंगे। अब दोस्तों टीडीएस इज एप्लीकेबल, तो क्योंकि ये दोस्तों जो हमारा इनवॉइस है वो 30,000 से ऊपर के अमाउंट का है, तो हम यहाँ पे टीडीएस को एप्लीकेबल करेंगे। इसके लिए वापस इसमें जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों हम स्पेस को प्रेस करेंगे और यहाँ पे टीडीएस को एप्लीकेबल करेंगे। अब जैसे दोस्तों हम टीडीएस को एप्लीकेबल करेंगे, अब यहाँ पे देखोगे कि नेचर ऑफ पेमेंट, यानी कि हमें जब भी हम टीडीएस को डिडक्ट करते हैं हमें एक टीडीएस का नेचर हमें बताना होता है कि हम जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे किस टाइप का हमारा नेचर है। तो इसके लिए दोस्तों हम करेंगे क्या कि न्यू कैटेगरी को यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों अगर आपका टैली का परचेज वर्जन है और आपका इंटरनेट उसमें चालू है तो आपको सभी की यहाँ पे अगर जैसे हेल्प पे क्लिक करोगे तो आपके जितने भी टाइप ऑफ नेचर है वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। बट हमारा क्योंकि एजुकेशनल वर्जन तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो जैसे भी मैंने बताया कि हम इसको एज ए कॉन्ट्रैक्टर ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर के नाम से टाइप ऑफ नेचर क्रिएट करेंगे। इसका जो सेक्शन आएगा दोस्तों वो आएगा हमारा 194C, यानी कि पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर का जो टीडीएस का नेचर होता है वो 194C के अंदर आता है, जिसका कोड होता है हमारा 94C। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों रेट ऑफ इंडिविजुअल और अचीवमेंट, यानी कि अगर आपकी कंपनी कोई इंडिविजुअल है यानी कि प्रोप्राइटर है, और अगर एचयूएफ है तो उसका जो टीडीएस कटेगा वो कटेगा हमारा 1%। और अगर आपकी कंपनी इंडिविजुअल के अलावा यानी कि वो कंपनी है, तो यहाँ पे जैसे कि sign.com है वो हमारी कंपनी है, जो कि हमें इसके पैन नंबर से यहाँ पता लग रहा है, यहाँ पे सी है, तो सी जो दोस्तों कंपनी मेंशन होगा और इसके लिए हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे 2%। अगर यहाँ पे दोस्तों पी यानी कि प्रोप्राइटर होता तो वो हमारा इंडिविजुअल में आता, या एच होता वो हमारा एचयूएफ में आता, तो तब हम 1% टीडीएस को डिडक्ट करते। और यहाँ पे हम देखें कि अगर आपकी कोई इंडिविजुअल के अलावा कोई कंपनी, तो यहाँ पे 2% टीडीएस हम उसका डिडक्ट
करेंगे, एंटर करेंगे। थ्रेशोल्ड एडजस्टमेंट लिमिट, यानी कि दोस्तों अगर आपको कोई सिंगल बिल 30,000 से ऊपर का है तो उस पर आपका ये टैक्स डिडक्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 30,000 रुपये इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे डालेंगे, एंटर करेंगे और कर देंगे एंटर। तो दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पे टीडीएस का नेचर भी इसको बता दिया कि ये जो टीडीएस का नेचर हमारा पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर का होगा, एंटर करेंगे और कर देंगे एंटर। अब दोस्तों क्योंकि हमने कैंडिडेट डाटा एक्सपेंस का लेजर यहाँ पे क्रिएट कर लिया, तो हमने जो परचेज का बिल था हमारे पास आया 32,000, टैली में जाएंगे और यहाँ पे डालेंगे 32,000, एंटर करेंगे। और दोस्तों क्योंकि इस पर हमारा 18% IGST भी लगा हुआ है, आप देखोगे कि यहाँ पे, तो हम यहाँ पे टैली में जाएंगे और एक लेजर क्रिएट करेंगे ओल्ड सी और यहाँ पे बनाएंगे IGST जो कि जाएगा हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेज में, और इसको हम GST को सिलेक्ट करेंगे और ये होगा हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे। GST में दोस्तों हमारा कोई TDS एप्लीकेबल नहीं होता, इसको हम एंटर करेंगे और कर देंगे एंटर। तो आप देखोगे कि IGST जो हमारा 760 रुपये यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। अब दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पे परचेज किया है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो सिंगल इनवॉइस की वैल्यू 32,000 रुपया है, तो उस पर हमारा जो TDS डिडक्ट होगा वो 2% डिडक्ट होगा। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे दोस्तों हम TDS पेबल के नाम से। TDS पेबल क्यों दोस्तों? क्योंकि हम TDS को डिडक्ट कर रहे हैं और ये हमारे को लाइबिलिटी है क्योंकि हमने गवर्नमेंट को पे करना है, और जब हम अपना ITR फाइल करेंगे तो उसमें हमें उस कंपनी के पैन कार्ड पर TDS को जमा कराना है। तो एंटर करेंगे एंटर करेंगे, ये जाएगा हमारा ड्यूटी टैक्स में, एंटर करेंगे। अभी किस तरह का हमारा टैक्स है, हमारा TDS है, एंटर करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों देखिए जो इसके नेचर है वो हमारा पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर जो कि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था, एंटर करेंगे एंटर करेंगे और कर देंगे एंटर। तो आप देखोगे दोस्तों कि जो हमारा TDS डिडक्ट हुआ है वो 32,000 पे 2% इसका डिडक्ट हुआ है। तो अगर हम कैलकुलेटर में जाए और यहाँ पे 32,000 का दोस्तों हम 2% यहाँ पे करें तो यहाँ पे आएगा 640 रुपया, और 640 रुपया इसने ऑटो जो है TDS इसको डिडक्ट कर दिया है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे 32,000 की जगह इसका अमाउंट 30,000 से कम कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे मान लो एस्केप जाता हूँ और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ हमारा बिल 29,000 का है, एंटर करूँगा एंटर करूँगा एंटर करूँगा। और यहाँ पे दोस्तों हम इसको एक बार स्पेस प्रेस करके दोबारा से TDS पेबल को लेंगे और एंटर करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि ये यहाँ पे TDS को डिडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों जब हमने TDS को एप्लीकेबल किया था तो वहाँ पे हमने एक लिमिट डाली थी कि हमारा जो TDS डिडक्ट होगा अगर हमारा बिल 30,000 से ऊपर के अमाउंट का है तो उस पर हमारा 2% TDS डिडक्ट होगा अगर वो कंपनी है, और अगर वो कोई इंडिविजुअल या प्रोप्राइटर है या HUF है तो उस पर जो TDS डिडक्ट होगा वो हमारा 1% डिडक्ट होगा। तो चलिए हम वापस से वही वैल्यू ले लेते हैं, और जैसे मैं इसको यहाँ पर 32,000 करूँगा दोस्तों, एंटर करूँगा और यहाँ पे इसको आपने स्पेस प्रेस करके दोबारा से TDS पेबल को सिलेक्ट करना है, एंटर करेंगे और आप देखोगे कि इसमें 640 रुपया हमारा TDS ऑटो डिडक्ट हो जाएगा, एंटर करेंगे एंटर करेंगे। अब दोस्तों क्योंकि एग्जांपल में जो इसका टोटल अमाउंट था वो था हमारा 37,760 रुपया, बट जो हमारा टैली में आएगा वो आएगा 37,120 रुपया। इसका रीजन ये है कि 640 रुपया दोस्तों TDS को हमने डिडक्ट कर लिया है जो कि हम इसके पैन नंबर पर जमा कराएंगे, एंटर कराएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे न्यू रेफरेंस को लेंगे, एंटर करेंगे और कर देंगे एंटर 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 और एंटर। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ नरेशन भी लिख सकते हो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एंटर करेंगे और कर देंगे एंटर। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पे अपने बैलेंस शीट पे जाऊँ तो यहाँ पे अब देखोगे कि मेरे पास जो मेरे ड्यूटी एंड टैक्सेस की ITC है, यानी कि मैंने परचेज किया था वहाँ पे मैंने GST को पे किया और मेरे पास IGST की लाइबिलिटी है। इसी तरह से दोस्तों ड्यूटी टैक्स में TDS पेबल, यानी कि मैंने 640 रुपये कंपनी का TDS डिडक्ट किया है जो कि मैंने पे करना है। इसी तरह से दोस्तों मेरे सेंडिंग क्रेडिटर है जो कि sign.com को मैंने 37,120 रुपया पे करना। अगर मैं एंटर करूँ और एंटर करूँ तो आप देखोगे कि मैंने कैंडिडेट का डाटा का जो है उससे परचेज किया था जो कि 37,120 था, और उसमें हमने 640 रुपये उसका TDS काटा है। और दोस्तों आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है कि TDS जो डिडक्ट होता है वो हमारा टैक्सेबल वैल्यू पे डिडक्ट होता है। तो दोस्तों जब भी आपका GST या TDS डिडक्ट होगा वो आपका सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू पे डिडक्ट होगा, न कि GST की वैल्यू पे। तो हमेशा आपका TDS और GST जो है टैक्सेबल वैल्यू पे ही डिडक्ट होगा, उसी पर ही एप्लीकेबल होगा। एस्केप जाएंगे एस्केप जाएंगे। चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे सर्विस को परचेज कर लिया, अब हम नीचे sign.com को पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए हम अपने पेमेंट वाउचर पर जाएंगे, जिसके लिए अकाउंट वाउचर पर जाएंगे
पेमेंट पर जाने के लिए दोस्तों आप सिंपली F5 को प्रेस करेंगे, 2 अप्रैल को इसकी पेमेंट करेंगे, जिसके लिए हम एक बैंक क्रिएट कर लेते हैं ICICI बैंक लिमिटेड। एंटर करेंगे जिसको हम ले लेते हैं अपने बैंक अकाउंट में। दोस्तों यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर डाल सकते हो, बैंक का ब्रांच नाम, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। सिंपली मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ, एंटर करूँगा, एंटर करूँगा और एंटर। और यहाँ पे दोस्तों मैं पेमेंट किसको कर रहा हूँ, sign.com को। और यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे sign.com को जो बैलेंस शो करेगा आपको 37,120 रुपया शो करेगा। तो 37,120 हम बैंक के द्वारा उसको पे करेंगे। अंगेस्ट रिफंड यानी कि आप किस बिल के अंगेस्ट इसको पे करो, तो एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे 37,120 का एक बिल आपको पेंडिंग शो होगा। एंटर करेंगे, ये दोस्तों आपको क्यों यहाँ पे शो होगा, क्योंकि हमने जब sign.com का लेजर क्रिएट किया था तो वहाँ पे आपका मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का ऑप्शन आपको शो हो रहा था। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से टैली में उसको एंट्री करते हैं, इसका एक ऑलरेडी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इजीली जाकर उसको चेक कर सकते हो। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और कर देंगे एंटर एंटर। यहाँ पर आप चेक नंबर डाल सकते हो, जो भी आपका चेक नंबर है, एंटर कर देंगे और कर देंगे एंटर। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पे sign.com के लेजर में जाकर देखूँ, तो यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और sign.com के लेजर पर जाएंगे। और यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे एक परचेज की एंट्री की थी 37,120 की, हम शिफ्ट एंटर इसको करें तो जिसमें हमारा 32,000 रुपये जो था डाटा का एक्सपेंसिस था, जिसमें IGST हमारा 760 और TDS हमने डिडक्ट किया था 640 रुपया। और यहाँ पे दोस्तों हमने जो उसको पेमेंट किया वो किया है 37,120 रुपया। इस तरह से दोस्तों हम इसकी परचेज की और पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हमारे पास जो है कैंडिडेट का डाटा यहाँ पे आ गया है और हमारे पास यहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट भी आ गया है, यानी कि हम 3 कैंडिडेट जो कि XYZ कपल लिमिटेड है उसको प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए हम एक इनवॉइस इशू करेंगे 40,000 का, जिसमें हमारे अलग अलग टैक्स रेट है और हमने माना कि XYZ हमारी हरियाणा की कंपनी है। तो चलिए इसके लिए हम टैली पे जाएंगे और उसके लिए हम अपने गेट ऑफ टैली पे जाकर अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे सेल कैंटर करने के लिए हम F8 को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए दोस्तों हम मान लेते हैं कि 1 मई को हम सेल कर रहे हैं। एंटर करेंगे और यहाँ पे हम दोस्तों जो पार्टी को सिलेक्ट करेंगे XYZ, हमने माना XYZ कंपनी लिमिटेड को हम यहाँ पे कैंडिडेट की सर्विस देंगे, जो कि होगा हमारा डेटर, जैसे हम पैसे लेंगे। एंटर करेंगे, इसको हम यस करेंगे, यस करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों इस ऑप्शन को हमने नो रहने देना है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम सर्विस को सेल कर रहे हैं और TDS कौन डिडक्ट करता है दोस्तों, जो कि सर्विस को रिसीव करता है वो हमेशा TDS को डिडक्ट करता है, इसको हमने नो रहने देना है। अब जो अगर हमारा TDS डिडक्ट होगा वो XYZ कंपनी लिमिटेड हमारा TDS को डिडक्ट करेगी। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम XYZ का रजिस्टर नंबर डाल देते हैं, जो कि हमने अज्यूम किया कि हरियाणा की पार्टी है। दोस्तों यहाँ पे हम कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ से हम कंट्रोल प्लस ओल्ड प्लस वी करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर कर देंगे और करेंगे एंटर। अब यहाँ पे दोस्तों जो हम सेल कर रहे हैं दोस्तों वो एम्प्लॉयमेंट सर्विस को सेल कर रहे हैं, तो हम एक लेजर क्रिएट करेंगे ओल्ड सी और यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट सर्विस का एक अकाउंट बनाएंगे। एंटर करेंगे दोस्तों और यहाँ पे हम इसको लेंगे दोस्तों डायरेक्ट इनकम में, क्योंकि ये जो इनकम होगी हमारी डायरेक्ट इनकम होगी। और यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, जस्ट को एप्लीकेबल रखेंगे, यहाँ से यस करेंगे, एंटर करेंगे, इसको हम टैक्सेबल लेंगे और यहाँ पे हमने टैक्स रेट यहाँ पे माना है 18%। एंटर करेंगे और यहाँ पे दोस्तों क्योंकि हम जो अभी दे रहे हैं सर्विस दे रहे हैं, इसको एंटर करेंगे। जस्ट को यहाँ पे नोट एप्लीकेबल रहने देना, क्योंकि हम यहाँ पे अभी सेल कर रहे हैं। एंटर करेंगे और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो बिल अज्यूम किया है वो हमारा 40,000 का, यहाँ पे जाएंगे 40,000 को हम यहाँ पे लेंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों हम क्योंकि हमारी हरियाणा की कंपनी है तो इस पे जो एप्लीकेबल होगा हमारा CGST SGST होगा, तो यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम ओल्ड सी को प्रेस करेंगे। CGST जो जाएगा दोस्तों हमारा किसमें, ड्यूटी टैक्सेज में जाएगा, और ये जाएगा दोस्तों हमारा GST में, जो कि होगा हमारा सेंट्रल टैक्स। एंटर करेंगे, एंटर कर देंगे और करेंगे एंटर। इसी तरह से हम एडजस्ट का एक लेजर क्रिएट करेंगे, जो कि ये भी जाएगा ड्यूटी टैक्स में, GST में, ये जाएगा दोस्तों हमारा स्टेट टैक्स। एंटर करेंगे और इसको कर देंगे एंटर। तो अभी देखोगे दोस्तों कि हमारी जो इनवॉइस की वैल्यू है वो 47,200 है और यहाँ पे हमने 47,200 का एक इनवॉइस जो है प्रोवाइड किया है XYZ कंपनी को, जिसमें 40,000 हमारी इनवॉइस की वैल्यू थी और 47,200 हमारी यहाँ पे टोटल वैल्यू थी। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और कर देंगे एंटर। अब दोस्तों हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो XYZ कंपनी है उसने हमारा TDS काटा है,
हमारे पैन के ऊपर। तो हमने यहाँ पे माना कि ये जो हमारी कंपनी, तो एक कंपनी थी और उसने 40,000 पे 2% हमारा टीडीएस काटा है। तो अगर हम 40,000 का 2% यहाँ पे सिलेक्ट करें तो 800 रुपये टीडीएस इसने काटा है। और अगर हम टोटल अमाउंट से 27,200 से 800 रुपये हम माइनस करें तो यहाँ पे हमें मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड से हमें जो रिसीव हुआ वो 46,400 रुपये रिसीव हुए हैं। तो रिसीव एंट्री करने के लिए दोस्तों हम वापस अपने अकाउंटिंग वॉचर पर जाएंगे। तो कोई भी रिसीव एंट्री करने के लिए हम F6 को प्रेस करेंगे, यानी रिसिप्ट को प्रेस करेंगे। अब हमने माना है कि हमें जो पेमेंट रिसीव हुई है हमारे ICICI बैंक में रिसीव हुई है, और किससे हुई है दोस्तों, एक्स वाई जेड से। और दोस्तों क्योंकि ये अमाउंट हमें रिसीव हुई है वो हुई है हमें 46,400 रुपये, 46,400 रिसीव हुई है एक्स वाई जेड से, जबकि हमारा बैलेंस है दोस्तों 47,200 रुपये। एंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पे जाएंगे और 47,200 को लेंगे, देन दोस्तों एंटर करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो अभी बैलेंस है वो 800 रुपये बैलेंस है, और हमने यहाँ पे हमने जो किया कि एक्स वाई जर्नल में हमारा 800 रुपये जो है टीडीएस का काटा है, जिसके हम एक जर्नल में एंट्री करेंगे। यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और कर देंगे एंटर। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे एक्स वाई जेड के लेजर पे जाए और यहाँ पे डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर में जाए और एक्स वाई जेड को सिलेक्ट करें, एंटर करें, तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि एक्स वाई जेड को हमने 47,200 का एक बिल इशू किया था, जिसमें हमें जो प्राप्त हुआ वो 46,400 रुपये प्राप्त हुए और 800 रुपये हमारा अभी भी बैलेंस है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें टीडीएस का रिसीव हुआ है, तो इसके लिए हम एस्केप जाएंगे और इसके लिए दोस्तों टीडीएस रिसीव का हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे गेट और टेली पर जाएंगे, अकाउंटिंग बच्चों में जाएंगे, इसके लिए हम F7 में जाएंगे। और सिंपली दोस्तों हम यहाँ पे डेबिट करने वाले टीडीएस रिसीवेबल को यहाँ पे हम ओल्ड सी करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे टीडीएस रिसीवेबल। ये दोस्तों हमें टीडीएस रिसीव होगा वो जाएगा हमारा करंट असेट में, क्योंकि ये हमें बाद में मिलना है दोस्तों। और टीडीएस दोस्तों क्योंकि एक्स वाई जेड कंपनी है जो हमारे इस पर टीडीएस को डिडक्ट करेगी, और यो टीडीएस हमें बाद में मिलने वाला है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, इसलिए हमारा करंट असेस्ट में जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और कर देंगे एंटर। यहाँ पे दोस्तों हम 800 रुपये टीडीएस रिसीवेबल कर लेंगे, जो कि हमें रिसीव होगा बाद में। क्रेडिट करेंगे दोस्तों हम एक्स वाई जेड कंपनी को 800 रुपये से, एंटर करेंगे। यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस डालोगे, 800 रुपये एंटर करोगे और एंटर करोगे। अगर दोस्तों अब हम यहाँ पे एक्स वाई जेड के लेजर में जाए तो यहाँ पे एक्स वाई जेड को आप देखोगे, और यहाँ पे जो आपको 47,200 का आपने सेल बिल इन्वॉइस जो है इसको इशू किया था, 46,400 आपको टीडीएस काट के पेमेंट मिली है, और 800 रुपये दोस्तों आपको यहाँ पे टीडीएस रिसीव होगा, जो कि हमारा करंट असेस्ट में है। इसी तरह से हम अगर बैलेंस शीट में जाए और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा जो है टीडीएस रिसीव 800 रुपये यहाँ पे शो करेगा। बैंक अकाउंट में दोस्तों आपको 5,280 रुपये शो करेंगे, या किस तरह से है 37,120 के आपने पेमेंट की थी, 46,400 आपको रिसीव हुए हैं। और इसी तरह से दोस्तों आपके ड्यूटी टैक्स भी आपको शो करेंगे, यहाँ पे आपको आपका CGST 3600 शो होगा, जो कि आपने एक्स वाई जेड के बिल पे लगाया था। इस तरह से SGST भी आपको यहाँ पे शो होगा, जो कि आपने पे करना है, और 5760 रुपये SGST आपको ITC है, जो कि आपने परचेज बिल पर आपने ऑलरेडी पे कर दी है, जो कि आपका टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह से TDS के अकाउंट में भी दोस्तों आपको 640 रुपये पे करने हैं, जो कि हमने Sign.com को डिडक्ट किए थे। इसी तरह से दोस्तों अगर हम अपने प्रॉफिट लॉस पे जाए तो आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे सबसे पहले हमने कैंडिडेट का जो डाटा उस पर एक्सपेंस किए थे, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसिस से 32,000 रुपये हमने Sign.com से सर्विस ली थी, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सर्विस हमने 40,000 की दी थी, जो हमारी इनकम है। और यहाँ पे दोस्तों 8,000 हमारा अभी नेट प्रॉफिट आपको शो हो रहा है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक TDS की एंट्री यहाँ पे बता देता हूँ, जो हमने 640 रुपये Sign.com को TDS डिडक्ट किया था, उसकी हमें पेमेंट की एंट्री कैसे करनी है। हम यहाँ पे टैली में जाएंगे और उसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे इसके लिए पेमेंट पे जाएंगे। पेमेंट पे जाने के बाद दोस्तों, और हम यहाँ पे मान लेते हैं 2 मई का हम पेमेंट कर रहे हैं, इसके लिए दोस्तों हम स्टार्ट पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी कि स्टार्ट पेमेंट ओल्ड एस को हम यहाँ पे चूज करेंगे। किसकी पेमेंट करेंगे दोस्तों, TDS की, और जो कि है हमारा 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक, एंटर करेंगे। अब क्योंकि ये हमारा दोस्तों एजुकेशन वर्ड है, इसलिए डेट को नहीं लेगा, तो हम यहाँ पे 2-4 सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे डिडक्टेड टिल डेट है, यहाँ पे हम 1-4 ले लेते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको सेक्शन यहाँ पे आपको दिखा देगा, जो आपने जिस सेक्शन के टीडीएस काटा वो सभी सेक्शन आपको यहाँ पे शो करेगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे आपकी जो नेचर ऑफ पेमेंट है, जितना भी आपने नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट किया वो सब आपको शो करेगा। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, एंटर करेंगे, और यहाँ पे आपने ऑल टाइप को लेना है। यहाँ पे दोस्तों आप रेजिडेंट या ओल आइटम को भी ले सकते हो। किस पे आप पे कर रहे हो, हम ICICI बैंक से पे करेंगे। एंटर करेंगे तो आप देखोगे कि दोस्तों कि आपकी जो यहाँ पे TDS की जो पेमेंट है वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर हम इसका ओल्ड पी करें, और अब यहाँ पे हम जो 2 मई में इसकी पेमेंट करें, एंटर करेंगे, तो आपका दोस्तों यहाँ पे जैसे आप ओल्ड जेड करोगे तो आपका जो TDS का चलान है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, और यहाँ इस चलान को प्रिंट करके आप
इसको यहाँ पे बैंक में 640 रुपये का अमाउंट आप पे कर सकते हो। एस्केप जाएंगे, एस्केप जाएंगे, एंटर करेंगे, एंटर कर देंगे और इस एंट्री को कर देंगे हम कंप्लीट। अब दोस्तों अगर हम अपने बैलेंस शीट में जाए और ओल्ड एफ1 करें तो आप देखोगे कि आपकी जो ड्यूटी एंड टैक्सेस में पहले टीडीएस पेबल दिखा रहा था उसकी पेमेंट आपने यहाँ पे कर दी है। और इसी तरह से दोस्तों हम एक्स वाई जेड के लेजर में जाए तो एक्स वाई जेड का लेजर हमारे यहाँ पे नील है। और इसी तरह से दोस्तों हम अपने sign.com को लेजर पे जाए तो वो लेजर भी हमारे यहाँ पे नील है। ओवरऑल दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि सर्विस सेक्टर के अकाउंटिंग टैली आरपीएनआर में किस तरह से की जाती है। जिसमें हमने माना कि टेक्निकल त्यागी कंसल्टेंसी सर्विस के नाम से हमारी एक कंपनी है जो कि मैन पावर की सर्विस प्रोवाइड करती है। और जिसमें हमने सबसे पहले परचेज गारंटी की, जिससे हमने sign.com से कैंडिडेट का डाटा परचेज किया जिसके लिए हमें एक बिल मिला और उस बिल पे हमने 2% टीडीएस डिडक्ट किया है। देन हमने परचेज गारंटी करने के बाद हमने उसकी पेमेंट की एंट्री की है। देन हमने दोस्तों एक्स वाई जेड कंपनी को 3 कैंडिडेट की सर्विस दी है जिसके लिए हमने उनको सेल का बिल इशू किया था। और देन एक्स वाई जेड ने दोस्तों हमारा टीडीएस डिडक्ट करके हमें पेमेंट किया है जो कि हमने पेमेंट रिसीव की एंट्री की है। लास्ट में दोस्तों हमने जाना कि किस तरह से हमने टीडीएस की पेमेंट अपने टैली आरपीएनआर में की है और किस तरह से हमने दोस्तों बैंक से टीडीएस की पेमेंट को पे करके उस पेबल को हमने यहाँ पे एंट्री को कंप्लीट किया है। ओवरऑल दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप नीचे में कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।